दोस्तों नमस्कार। वेदों की निर्मिति अपौरुषेय है और संगीत भी अपौरुषेय है। आइए संगीत शास्त्र की जानकारी ले लेते हैं। राग है वृंदावनी सारंग और मार्गदर्शन करेंगे श्रीमान रघुनंदन जी पणशीकर। इस स्वर महफिल में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा के लिए जो राग हमने चुना है वो राग है राग वृंदावनी सारंग। सबसे पहले सर आप इस राग के आरोह और अवरोह हमें समझा दीजिएगा। जरूर। ये राग में गांधार और धैवत ये दोनों स्वर वर्जित हैं। अच्छा। इसलिए इसकी जाति ओडव मानी गई है। इसका मतलब है पांच सुर यानी कि ओडव। अच्छा। और इसकी खासियत ये है कि आरोह में शुद्ध निषाद का प्रयोग होता है और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग होता है। अच्छा। मैं इसका आरोह अवरोह गा के सुनाता हूँ। इस राग के वाद्य और संवादी स्वर कौन से हैं? इस राग का वादी स्वर है ऋषभ। अच्छा। और संवादी है पंचम। इस राग का चलन कैसे होता है? मुख्य रूप से सारंग जो स्पष्ट होता है जी। रे मा पा रे मा रे सा नी नी सा, ये रूप से स्पष्ट होता है। अच्छा अच्छा। और इस राग की प्रकृति? इसकी प्रकृति गंभीर तथा शीतल। अच्छा। दोपहर की गर्मी में ठंडक आपको महसूस होगी ये राग सुनते वक्त। अच्छा। तो ये दृष्टि से ठंडक महसूस हो, शीतलता महसूस हो जी, तो ये प्रकृति धर्म ध्यान में रख के इन्हीं स्वरों की योजना की है। अच्छा। लोक संगीत की बहुत सारे धुनों में ये राग नजर आता है। लोक संगीत से ही ये राग की निर्मिति हुई है। अच्छा। ऐसा मानना है। अच्छा सर, आपने इतने सारे वैशिष्ट्य इस राग के बताए हैं। अब गुजारिश है आपसे कि कोई अच्छी सी बंदिश हमारे श्रोताओं को आप सुना दीजिएगा। जरूर।
चरण शरण गोपाल। Ah!
अच्छा, ये अभी ये तो हमने महसूस किया कि इसमें एक शीतलता का अनुभव होता है, महसूस होती है शीतलता और शांति का थोड़ा सा अनुभव मिलता है। इसमें ये भी हमने देखा है, अभी आपकी बंदिश जब सुन रहे थे, इसमें एक अपील जिसे कहें, बड़े प्यार से किसी को समझाया जा रहा हो कि भाई ये करो ना, ये यूं करो ना, ये प्लीज़, इस तरह से। ये इसमें काफ़ी सारा एक्सप्रेशन हमने देखा, तो इसकी वजह शायद लोक संगीत होगी या और कोई वजह? जहाँ तक मैंने सीखा है कि ऐसी बहुत सारी भाव भावनाओं को समेट के शास्त्रीय संगीत चलता है। क्या बात। तो उसमें से कुछ भावनाएं तुरंत प्रदर्शित हो जाती हैं, जैसे कि नी सा रे मा रे रे बहुत सारी भावनाएं हर एक राग में मौजूद हैं। इस राग में तो ये तो ऐसी बहुत बड़ा राग है, इसमें काफ़ी सारा विस्तार हो सकता है। इसलिए शायद हमारे जो सुगम संगीतकार हैं, अपने अपनी भाषा में जो काम करते हैं, मराठी में इसमें काफ़ी सारी रचनाएं हैं, हिंदी में भी हैं, तो शायद ये वजह है कि इस राग का अपना ही स्वभाव इतना भरा हुआ है भावनाओं से, कि जैसे हम लोग देखते हैं कि सामान्य रूप से जब कोई संगीतकार किसी धुन की रचना करता है तो जो सिचुएशन लिखी गई है या डायरेक्टर ने बताई है, उस हिसाब से कई बार कोई एक राग कम पड़ जाता है जो भी व्यक्त करना है, जो प्रकट करना है उसके लिए। तो इसलिए संगीतकार हम यूजुअली दूसरे किसी राग का उसमें एक मिलाव कर देते हैं, थोड़ी सी मिलावट आ जाती है, शुद्ध राग बहुत कम बचता है उसमें। लेकिन इस राग के साथ हम ये देखते हैं कि काफ़ी सारी धुनें शुद्ध वृंदावनी सारंग पे ही बनाई गई हैं, इसमें और किसी राग का उसमें मिलावट करने की ज़रूरत संगीतकारों को शायद नहीं महसूस हुई। जैसे अब ये गाना है अपना रानी रूपमती में, तो एक्चुअली दो गाने एसएन त्रिपाठी साहब ने बनाए हैं, एक तो ये है आजा आजा भंवर सुनी डगर सुना है घर आजा, ओ आजा आजा भंवर सुनी डगर सुना है घर आजा, ओ आजा आजा भंवर सुनी डगर सुना है घर आजा, न सतारे आरे आरे मेरी अखियाँ उदासी तोरे दरस की प्यासी, पल पल छीन छीन देखे राह तिहारी, आजा आजा भंवर सुनी डगर सुना है घर आजा, ओ आजा। दूसरा ये है जो रफी साहब का ड्यूएट है दीदी के साथ, झननन झन झननन झन झननन बाजे पायलिया। इसमें शायद और एक ये शीतलता का जो आपने मुद्दा कहा, इसका एक ये आविष्कार शायद हो सकता है, सावन आए या ना आए जिया जब झूमे सावन, सावन का की झलकियां
इसमें काफी बार क्यों आती है? सावन के महीने से इसका कुछ ताल्लुक है? समय की तो आपने बात कही कि जी, जी, मध्यान इसके जो स्वरों का अगर हम जो महत्व है वो उसके ऊपर हम अगर गौर करेंगे तो जैसे दोनों निषाद का प्रयोग इसमें है और इसके वादी संवादी ऋषभ और पंचम है जो कि मल्हार के भी है। हाँ, हाँ। तो ऋषभ पंचम और दोनों निषाद का संयोग से मल्हार की निर्मिति होती है तो इसमें थोड़ा मल्हार का भास होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, इसीलिए ये जो गीत है। अब लेकिन ये तो बात हमने कही कि संगीतकारों ने और किसी राग को इसमें नहीं मिलाया है। कई बार यूँ भी हुआ है कि कुछ कुछ संगीतकारों को सिचुएशन के हिसाब से और कुछ मिलावट करनी पड़ी। जैसे अब ये गाना है, जादूगर सैया छोड़ मोरी बैया हो गई आधी रात अब घर जाने दो, या फिर बसंत बहार फिल्म का ये गाना, भय भंजना वंदना सुन हमारी दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी, भय भंजना वंदना सुन हमारी। एक थोड़ा सा और दूसरा आविष्कार है। कितने अच्छे गीत हैं जमकुंज ने अभी पेश किए हैं। जाहिर है हमारे श्रोताओं का जो गीतों का तस्वीर है वो फिर से रोशन हुआ होगा। इस राग की जो आशनाई सर आपने हमें दी है, इसी के लिए आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और समापन के मोड़ तक पहुंच गए हैं तो आप क्या सुनाना पसंद करेंगे? इसी राग में एक द्रुत बंदिश है, घुंघर वा मोरा बाजे जी। मैं वही गाता हूँ। घुंघर वा मोरा बाजे बाजे घुंघर वा मोरा बाजे बाजे घुंघर वा मोरा बाजे बाजे आ